आप सबको मेरा नमस्कार। हम सब कमर के दर्द से परेशान रहते हैं। अनेक उपचार, अनेक जतन करने के बावजूद भी हमारे कमर का दर्द ठीक नहीं हो पाता। अनेक दवाइयां हम लेते हैं, लेकिन आज हम कुछ आसनों के द्वारा कमर के दर्द से छुटकारा पा सकेंगे। और ये बात मैं कोई पढ़ी पढ़ाई नहीं बोल रहा, कोई सुनी सुनाई नहीं बोल रहा, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी कमर का दर्द इन्हीं आसनों के द्वारा ठीक किया है, तथा यदि हम ये आसन निरंतर रूप से करेंगे तो कभी भी हमें कमर का दर्द नहीं होगा। तो चलिए कुछ आसन आपके सामने मैं रखता हूँ, आप उनका डेमो देखकर करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। सबसे पहला आसन करते हैं अस्वस्थम आसन। दायां हाथ ऊपर, कंधा कान से लगा हुआ, बाएं पैर और बाएं हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएं। पैर आपका खींचा हो, हाथ की हथेली का रुख नीचे की तरफ, कमर बिल्कुल सीधी हो, एकदम बिल्कुल सीधा, आप देखेंगे बिल्कुल सीधा होना चाहिए सब कुछ। अस्वस्थम आसन, रुकेंगे कुछ समय, फिर धीरे धीरे वापिस आए, हाथ को नीचे ले आए। अब बायां हाथ ऊपर, धीरे धीरे कंधा कान से चिपका दें। अब दायां पैर और दायां हाथ पीछे की तरफ, पैर का पंजा खींचा हो, हथेली का रुख नीचे की तरफ हो, हाथ ऊपर वाला खींच दें पूरा, कमर बिल्कुल सीधी हो जाए आपकी एकदम। कमर के लिए बहुत बहुत अच्छा आसन, रुकेंगे कुछ समय इस स्थिति में, रोकें अपनी क्षमता अनुसार, रुके रहें। अब धीरे धीरे वापस, पहले पैर लाएं, फिर धीरे धीरे हाथ ले आएं। ये पहला आसन हुआ। अब दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। घुटनों के बल बैठ जाइए, घुटनों की चौड़ाई कंधे जितनी, दोनों अंगूठे पीछे कमर के पीछे लगाएं। अब धीरे धीरे अपने आप को कमर से मोड़ दें, एड़ियों को छूना मात्र है, और बीच से अपने आप को खींच दें। नितंब पूरे ऊपर की तरफ खींच जाएं आपके, और गर्दन नीचे की तरफ झुक जाएं। आप अपनी क्षमता अनुसार रुकें, ये भी कमर के लिए बहुत बहुत अच्छा आसन है। रोकेंगे जितना भी समय आप रुक सकते हैं, आधा मिनट कम से कम स्थिति में रुकना है। जब वापिस आए, अंगूठे दोनों कमर पे लगाएं, धीरे धीरे वापिस। तीसरा आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन में आपने पहले माथा जमीन पे रखना है, फिर धीरे धीरे आपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, कोहनियां जमीन पे लगी रहें, सर या तो पीछे की तरफ लगे या फिर ऊपर की तरफ देखना है आपने। आसमान की तरफ देखना है या आंखें बंद रहेंगी, पीछे से एड़ियां और पंजे फैले रहेंगे। इस स्थिति में रोकें, जब ना रुका जाए धीरे धीरे नीचे आए, माथा जमीन पे। अब करवट लेनी है आपने, दाई तरफ की करवट लें, पीठ के बल आ जाइए। अब जो अगला आसन है वो हमारा है मरकट आसन। हाथ कंधे की सीध में, दोनों घुटने जुड़ जाएं, एड़ी पंजा जुड़ जाए, दोनों घुटने आपके दाई तरफ जाएं और गर्दन बाई तरफ, हाथ तने रहें, घुटने के ऊपर घुटना हो, पंजे के ऊपर पंजा, कान जमीन पे लगा हो, खींच के रखेंगे हाथों को, रुकेंगे कमर दर्द के लिए रामबाण स्थिति, रोकेंगे रोकेंगे स्थिति में। बहुत आसान सा आसन है लेकिन बहुत प्रभावी आसन। अब धीरे धीरे वापिस। अब इसी स्थिति को दूसरी तरफ करेंगे, दोनों पैरों को बाईं तरफ ले जाएं, अब कान को दाईं तरफ लाएं, हाथ कंधे की सीध में खींचे रहेंगे, पंजे के ऊपर पंजा रहेगा, घुटने के ऊपर घुटना, खींच के रखिए, रोकेंगे अपने आप को स्थिति में कुछ समय के लिए, रोक के रखिए। अब धीरे धीरे वापिस। अब सीधा करेंगे, आखिरी जो आसन करेंगे वो सब आसन करेंगे, दोनों पैरों में चौड़ाई, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे को ना छुए, निढाल छोड़ दें शरीर को, बिल्कुल निढाल। आप ज्यादा समय तक भी इस स्थिति को कर सकते हैं, सब आसन की स्थिति, आप लेटे रहेंगे। एक दो बातों का और ख्याल रखना है कि जब भी आपने उठना है, दायां हाथ पीछे, कोहनी का सहारा लेके बैठें, बैठ जाइए, और फिर जब खड़े हों तो सीधा खड़े हों,
अब आपने एक दो काम और करने हैं कि जब भी कोई सामान उठाना है, ऐसे नहीं उठाना झुक के, घुटनों के बल बैठ जाएं और फिर जो है सामान को उठाएं। यदि ये कमर के दर्द के आसन हम निरंतर रूप से करेंगे लगभग 2 महीने तक, तो हम अपने कमर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट पहले कर लें, तभी जो है इन आसनों को करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप वीडियो के नीचे कमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा आप यदि और किसी बीमारी के बारे में भी आसनों को जानना चाहते हैं तो मुझे अवश्य बताएं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ऐसे आसन आपको ज़रूर बताऊंगा जिनसे आप उस बीमारी से छुटकारा पा सकेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगी, मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। ऐसी ही और वीडियो लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। तब तक आप सबको नमस्कार।